हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूँ गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में। आज जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, आप लोगों ने देखा ही लिया होगा कि संबल जो योजना है, ठीक है, संबल जो योजना है उस योजना के बारे में पूरी जानकारी देने वाला एक वीडियो मेरी है। ठीक है, संबल योजना की एक पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि आपको डायरेक्टली इन चीज़ों से मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि ये इनकी प्रोसेस, इसकी जो प्रक्रिया है आप कैसे करेंगे, लॉगिन आईडी कैसे आप निकालेंगे, कैसे आप पता करेंगे, कैसे आप कार्ड जनरेट करेंगे, ठीक है, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो इसकी पूरी जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूँ। ठीक है, डायरेक्टली मैं ऑनलाइन देना चाहता हूँ आपको, डायरेक्टली मैं चीज़ों को दिखा देना चाहता हूँ जिससे आप लोगों को ये ना लगे कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है। ठीक है, जिससे आप लोगों को क्या ना लगे कि ये ना लगे कि आप लोगों को मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ से ये चीज़ें करना है, यहाँ से ये चीज़ें करना है। ठीक है, जैसे आपको लॉगिन नहीं मिलता, पासवर्ड नहीं मिलता, तो आपको कैसे, कहाँ से ये सारी चीज़ें मिलेंगी, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, कैसे आप कार्ड प्रिंट करेंगे, तो इन सब की जानकारी मैं आपको यहाँ से डायरेक्टली मैं आपको दे देना चाहता हूँ। ठीक है, और किसके लिए है, तो अपन चलते हैं डायरेक्टली पेज पर। ठीक है, ऊपर एड्रेस बार में डालिएगा आपको संबल योजना। ठीक है, एड्रेस बार में आपको डालना है संबल या प्रवासी श्रमिक विवरण, देखिए संबल .mp.government.in, ये देखिए इधर ऊपर सबसे ऊपर देखिएगा संबल .mp.government.in। ठीक है, ये आपको डालना है अपने एड्रेस बार में, चाहे आप मोबाइल हो, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो। ठीक है, तो आपको ये एड्रेस बार में डालिएगा, तो एड्रेस बार में जब आप डालेंगे तो ऐसा पेज खुल के आएगा। ठीक है, अब ये पेज में पहले एक इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए आप। देखिए यहाँ पे लिखा प्रवासी श्रमिक पंजीयन प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी श्रमिक जो प्रदेश से बाहर कार्यरत नियोजित रहे हैं तथा 1 मार्च से 2020 तक उसके उपरांत मध्य प्रदेश में लौटे हैं के सर्वे सत्यापन तथा पंजीयन हेतु 26 मई से 2 जून 2020 के मध्य अभियान के रूप में संबल पोर्टल मतलब sambal.mp.government.in, ठीक है, पर प्रवासी बंधन प्रणाली के अंतर्गत पंजीयन कार्रवाई शुरू की जा रही है। ठीक है, मतलब ये काम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये काम क्या है, स्टार्ट हो चुका है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन होने लगा है, आप लोग रजिस्ट्रेशन बिल्कुल बेशक करा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको ये फॉर्म दिया गया है। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, या तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें या फिर यहाँ पे देखिए योजना हेतु फॉर्म आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैं आपको फॉर्म डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आपका फॉर्म आ गया, तो यहाँ पे ये आपको आईडी डालना है, समग्र आईडी जो भी है। ठीक है, यहाँ पे आईडी डालना, ये आपका पूरा फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर आपका लगेगा। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर इसी में से होगा, डिजिटल सिग्नेचर संबल योजना से ही डिजिटल सिग्नेचर होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कहाँ पास से होता है, तो सारी जानकारी भरने के बाद, ठीक है, सारी ये आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म भरने के बाद आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके आप इसको फिल कर लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड करके इसको फिल कर लीजिएगा, फिर जहां से मैं पंजीयन करने के लिए बताऊंगा ना, वहां पे आप इसको लगा देगा, या फिर इसको आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए किसी कंप्यूटर वाले से आप, या तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए उसके बाद आप इसको भर लीजिए। ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं, तो डाउनलोड कर लीजिए या फिर प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप यहां से करवा सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो ये जब आप फॉर्म भरेंगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं फर्स्ट पेज पर। ठीक है, यहां से आप देखिए आपको करना क्या है, जैसे रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, पहले मैं छोटी सी और इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको ये फॉर्म है। ठीक है, ये आपका फॉर्म है और ये ट्वीट पढ़ लीजिए थोड़ी मुख्यमंत्री जी का। देखिए यहाँ पे ये ट्वीट है मुख्यमंत्री जी का कि संबल अनुग्रह राशि 3300 करोड़, ठीक है, 3300 हितग्राहियों के खाते में 72.64 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक में ट्रांसफर किए गए। ठीक है, ये शिवराज सिंह चौहान जी का ट्वीट है। ठीक है, तो ये आपको मैं ट्वीट भी दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं देखिए नवीन पंजीयन में। ठीक है, आप पंजीयन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए संबल होम दिया हुआ है ना, संबल होम पे आपको ये क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे संबल होम पे आपको क्लिक करना, आप जैसे संबल होम पे क्लिक करते हैं ये ऐसा पेज खोल के आएगा, मतलब होम पेज खोल के आएगा संबल योजना का, ये संबल योजना का होम पेज है। ठीक है,
अब जब संबल योजना का ये जो होम पेज है, जब यहाँ पे खुल के आता है तो पहले नंबर पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे ये पंजीयन का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पंजीयन के ऑप्शन में ये दिया हुआ है आपका नवीन पंजीयन हेतु आवेदक की पहचान आधार KYC करें, ठीक है। इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो ये अब मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये पोर्टल खुल के आ जाता है, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन है, याद रखिएगा, आपको पंजीयन करना है, ठीक है, आपको पंजीयन करना है, उसके बाद आपको कार्ड जनरेट करना है। दो चीजें करना है, आपको पंजीयन करना है, उसके बाद आपको कार्ड जनरेट करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये पहला ऑप्शन है, देखिए कि नवीन पंजीयन हेतु आवेदक की पहचान पुष्टि आधार KYC करें, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो पहला पंजीयन होगा आपका, ठीक है। पहला क्या हुआ आपका पंजीयन, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए तो जब मैं यहाँ पे फर्स्ट बारे में क्लिक किया तो ये आ गया, देखिए श्रमिक पंजीयन हेतु आवेदक पहचान सुनिश्चित कर श्रमिक कार्ड की योजनाओं का लाभ आसानी से देने का आधार नंबर KYC करें, ठीक है। अपने आधार नंबर से KYC आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समग्र ID डालना है आपको, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे आपको क्या डालना है, समग्र ID, और यहाँ पे भी आपको समग्र ID डालना है, ठीक। दोनों जगह आपको समग्र ID फिल करना है अपनी, जो आपकी समग्र ID यहाँ पे है, जो आप समग्र ID यहाँ पे डालेंगे वही समग्र ID आपको यहाँ पे भी डालना है, ठीक। उसके बाद ये कपाचा होता है, ये कपाचा आपको डालना है, जो लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है, जो लिखा होगा आपको यहाँ पे वही आपको यहाँ पे लिख देना है, जैसे 8A WW लिखा हुआ तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 8A WW लिख दीजिए और समग्र आवेदक का विवरण प्राप्त कर लीजिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन हो गया, इसकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। अब जब इन्फॉर्मेशन फिल हो जाती है तो इन्फॉर्मेशन फिल होने के बाद आपको क्या करना है, कार्ड जनरेट करना, ठीक है। तो कार्ड जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, देखिए ये वाले ऑप्शन पे, सेकंड वाले ऑप्शन में। तो ये कार्ड जारी करने हेतु श्रमिक की पहचान पुष्टि यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपको समग्र ID डालना पड़ेगा, ये समग्र ID आपको डालना पड़ेगा, वही जो आपने समग्र ID अभी डाला हुआ था, तो ये समग्र ID आपको यहाँ पे डालना है और ये समग्र ID वही समग्र ID आपको यहाँ पे डालना है और ये कपासा फिल करना है आपको, ठीक है। फिर से आपको यहाँ पे कपासा फिल करना है, ठीक है, जो भी आपको कपासा मिलेगा वही कपासा आपको फिल करना है और श्रमिक का विवरण प्राप्त कर लेना, मतलब आपका कार्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है, आपका कार्ड दिखाने लगेगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, इसको मैं बैक करता हूँ, फिर आते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ लॉगिन यूजर और पासवर्ड। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा हुआ है, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि लॉगिन यूजर और पासवर्ड कैसे प्राप्त करें, ठीक है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे पंजीयन एक ऑप्शन और बता देता हूँ कि जैसे कार्ड की जानकारी प्राप्त हो गई, ठीक है, वही कार्ड की जानकारी जो मैंने दो ऑप्शन अभी बता दिया। अब पंजीयन की स्थिति आपको चेक करना है, ठीक है। तो पंजीयन की स्थिति चेक करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा कि आपके पंजीयन की स्थिति क्या है, ठीक है, सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए, अपना पंजीयन देख सकते हैं, ठीक है, आप अपना पंजीयन देख सकते हैं कि हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। आप अपना पंजीयन चेक कर सकते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप अपना समग्र ID, ठीक है, यहाँ पे आप अपनी समग्र ID डालेंगे और यहाँ पे अपनी समग्र ID डालेंगे, ठीक है, 9 अंकों की समग्र ID आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे भी डालना है, मतलब दोनों जगह डालना है, यहाँ पे भी डालना है और यहाँ पे भी डालना है, दोनों जगह, ठीक है। उसके बाद ये कपाचा फिल करना है, ठीक है, कपाचा फिल करना है और कपाचा फिल करने के बाद सदस्यता की जानकारी देखिए, आप अपना पंजीयन देख सकते हैं, ठीक। समग्र ID डालने के बाद, दोनों जगह समग्र ID डालने के बाद अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल चेक कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ गए, और जो भी समस्याएं आती हैं, ठीक है, इसके बाद भी जो भी समस्या आती है आप बेशक मेरे को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं उससे संबंधित जानकारी आप लोगों के लिए बिल्कुल लेके आऊंगा, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ कमेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपको क्या समस्या आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ लॉगिन ID और पासवर्ड, ठीक है। अब देखिए कितने लोगों को यहाँ पे योजना अनुदान, किन लोगों की योजना समाप्त कर दी गई, मतलब किन लोगों को लाभ नहीं दिया जा रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जिन लोगों को अब लाभ नहीं दिया जा रहा है यहाँ से आप देख सकते हैं बेशक, ठीक है। तो आप लोगों से मतलब नहीं है, जिन लोगों को लाभ नहीं दिया जा रहा क्या मतलब, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए श्रमिक जिन्हें मृत्यु उपरांत किसी एमनेस्टी अनुग्रह सहायता योजना का लाभ नहीं दिया गया है, जिला वाली का बार आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए ग्राम पंचायत बैंक खाते किनके बंद कर दिए गए हैं, जिनके खाते बंद कर दिए गए हैं ग्राम पंचायत के अकॉर्डिंग, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा।
पोर्टल पर, हाँ देखिए अब पोर्टल पर लॉगिन यूजर और नाम कैसे पता करना है आपको, ठीक है। जैसे आपका लॉगिन यूजर और नेम बन जाता है, ठीक है, तो जब लॉगिन यूजर और नेम बन जाता है तो उसको आप कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, कहाँ, पोर्टल पे अपना लॉगिन यूजर और नेम पता करना है, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जिला सेलेक्ट करना है, जो भी आप जिस भी जिले के हैं आप, ठीक है, वो आप अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं शहडोल का हूँ, शहडोल में सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने पंचायत सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ व्यवहारिक जनपद पंचायत, ठीक है। और यहाँ पे मैं डालता हूँ क्या, जो एक पंचायत है वो KBQL, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका KBQL दिया हुआ, ठीक। यहाँ पे रिपोर्ट देखिए, ठीक है, अब ये रिपोर्ट चेक करता हूँ, तो देखिए जानकारी फिल हो रही है, प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है। अब ये जानकारी आपको मिल जाएगी यहाँ से कि किन लोगों की आईडी यहाँ से बनी हुई, तो ये आईडी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये बोला है वो रॉन्ग उपासक, ठीक है, रॉन्ग उपासक दिया हुआ था, तो उपाध्याय मैंने रॉन्ग डाल दिया था। चलिए सी आप डाल देते हैं आपका CWY और H रिपोर्ट देखें, ठीक है, क्लिक करिए। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित, ठीक है, मतलब पंजीयन लाभ हेतु निकाय वार उपयोग पंजीकृत यूजर की सूची आ जाएगी आपके पास, मतलब लिस्ट आ जाएगी, आप लोगों का नाम, कितने लोगों का नाम है, ये देखिए ये नाम आ गया, ठीक है। ये सब जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन सभी लोगों का यहाँ पे नाम दिखा रहा है, ठीक, उन सभी लोगों का ये क्या बना हुआ है, ये यूजर नेम बना हुआ है, यूजर नेम, ठीक है, और पासवर्ड उनका जहां तक मोबाइल नंबर रहता है, ठीक है, पासवर्ड जहां तक क्या रहता है, मोबाइल नंबर रहता है, ठीक है, पासवर्ड क्या रहता है, मोबाइल नंबर। तो ये सब लोगों, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन लोगों का ये यूजर नेम दिखा रहा है, देखिए इन सभी लोगों का यूजर नेम यहाँ पे दिखा रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। अब कैसे आपको पता करना है कि किसकी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जैसे मैं कोई एक उठा लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं कोई एक उठा लेता हूँ, कोई भी ले लीजिए, कोई भी आप यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। तो मैं एक आईडी ले लेता हूँ कोई भी RS, ठीक है, मैं एक आईडी ले लेता हूँ और आईडी से आपको दिखाता हूँ, इन्हीं आईडियों में से एक आईडी ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एक आईडी फर्स्ट नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, RS20549, ठीक है, ये है ना RS20549, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बैग जाता हूँ, इसको कट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से कट करता हूँ, और कट करने के बाद वापस मैं ये पोर्टल पर लॉगिन यूजर की जानकारी देखी। अब जो यूजर बन गया, ठीक है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनकी जानकारी आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको चेक करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद उस यूजर का नाम यहाँ पे आपको डालना है, जैसे मैं डाला क्या R, ठीक है, क्या था RS20, ठीक है, RS आपका 2054 और क्या था आपका 9, ठीक है, हमने ये डाला था। कपाचा डाल देता हूँ, तो कपाचा क्या है इसका 5L, 5LW और 5 दिया हुआ है, शायद हाँ 5 दिया हुआ, तो हमने ये कपाचा डाल दिया, ठीक है। कपाचा डालने के बाद गेट यूजर लिस्ट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे गेट यूजर लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए इससे संबंधित ये आपकी आईडी खुल गई, शहडोल जनपद पंचायत व्यवहारी RS20549 यही था ना यूजर आईडी, और ये कौन है, रोहिणी, इसका नाम क्या है, रोहिणी है, ये इसका मोबाइल नंबर है और इनका पोर्टल लॉगिन हुआ था ये, ठीक है, अंतिम बार पोर्टल 28 अप्रैल 2018 को लॉगिन हुआ था इनका, ठीक है, 8/19/18, ठीक है। तो ये यूजर और पासवर्ड निकालने का तरीका हो गया, ठीक है, और यूजर, अब लॉगिन अगर आपको करना है, पासवर्ड आपको चेंज करना है, तो आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं अपना, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से पासवर्ड आपको चेंज करना है, ठीक है, पासवर्ड आपको कहाँ से चेंज करना है वो भी बता देता हूँ। तो ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आपको पासवर्ड चेंज करना भी बता देता हूँ, अगर आपको पासवर्ड भूल गया है तो पासवर्ड चेंज करना भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ से मैं पासवर्ड आपको चेंज करना होता, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, ये लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, ठीक। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये आपको देखिए क्या बोल रहा है कि जन कल्याण पोर्टल पर लॉगिन हेतु, ठीक है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों, ये आता है आपका हिंदी, देखिए ऊपर इधर देखिए ये इंग्लिश के लिए, अब इंग्लिश आप सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश आएगा, ठीक है, ये इंग्लिश आ गया,
और इधर मराठी आप सेट करेंगे ठीक है, तो आपको हिंदी आएगा, तो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। कृपया जन कल्याण पोर्टल पर लॉगिन करने हेतु जन कल्याण पोर्टल का यूजर नाम पासवर्ड उपयोग करें ठीक है। जो आपको यूजर जो मैं अभी दिखाया ना, यूजर और पासवर्ड वो आपको मिलेगा ठीक है, तो यूजर और पासवर्ड वही यूजर और पासवर्ड आपको डालना है। तो यूजर जो बनेगा वो और पासवर्ड आप अपना मोबाइल नंबर या जो भी आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, ज्यादातर मोबाइल नंबर है ठीक है। तो अब जैसे आपको पासवर्ड भूल गया है ठीक है, जैसे आपको पासवर्ड भूल गया है, तो पासवर्ड जब भूल गया है तो यहाँ पे आप यूजर नेम डालेंगे ठीक है। यूजर नेम क्या था, जैसे मैं यूजर नेम था आर एस ठीक है, आर एस था 20549 ठीक है, ये था ना एक, मैंने ऐसे उठा लिया था एक तो ठीक है। तो ये क्या था आपका यूजर नेम हो गया ठीक है, ये यूजर नेम था। अब पासवर्ड मेरे को पता है तो नहीं, पासवर्ड मेरे को पता है नहीं ठीक है। तो जब पासवर्ड मेरे को पता नहीं है तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन रहता है नीचे ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड का नीचे ऑप्शन रहता है। तो आप ये देखिए ये फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नीचे है ना, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और पासवर्ड अपना रिसेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या मांगता है, जब मैं फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या बोलेगा, आप अपना फॉरवर्ड देखिए इस सुविधा यहाँ इधर पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, इस सुविधा से आप अपना पासवर्ड तभी रिसीट कर पाएंगे जब आपका मोबाइल नंबर पोर्टल पर सही तरीके से दर्ज होगा ठीक है। कब आप रिसीट कर पाएंगे, तो मोबाइल नंबर जब तक होगा नहीं तब तक आप तो पासवर्ड रिसीट नहीं कर पाएंगे ठीक है। तो आपका मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए इस पोर्टल में ठीक है, और जब आप यूजर नेम और पोर्टल पंजीकृत मोबाइल नंबर कैप्चा एंटर करेंगे तो पोर्टल द्वारा पंजीकृत मोबाइल आपको पिन भेजा जाएगा, आपको ओटीपी भेजा जाएगा ठीक है, ओटीपी भेजा जाएगा और वो ओटीपी आपको 20 मिनट का समय देगा ठीक है। आप ओटीपी में आपको 20 मिनट का समय रहेगा, आप 20 मिनट में उसको डलवा दीजिए ठीक है। सुनिश्चित करें अपने मोबाइल नंबर सभी पोर्टल पर अच्छे खाते आपके खाते के साथ पंजीकृत हो ठीक है, और आपका खाता भी पंजीकृत होना चाहिए ठीक है। पंजीकृत खाता जिससे पैसे जिसमें पैसा आएगा भाई ठीक है, जिसमें पैसा आएगा, पैसे के लिए तो आप कार्ड बना रहे हैं ठीक है, सुविधा के लिए तो आप अपना कार्ड बना रहे हैं ना, जिससे आपको सुविधा मिल सके ठीक है, बिजली बिल मिल सके ठीक है, पैसा मिल सके ठीक है, और बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं आपको मिल सके ठीक है। तो आप यहां से क्या आप डालेंगे, अपना यूजर नेम डालेंगे यहां पे ठीक, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और एक कैप्चा डालेंगे, उसके बाद रिसीट पिन डाल देंगे ठीक है। इंटर क्या करेंगे, ये कैप्चा डालेंगे, उसके बाद रिसीट पिन होगा, रिसीट पिन मतलब आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, यहां से आपका पासवर्ड नया बन जाएगा। तो आपका पासवर्ड क्या हो जाएगा, यहां से नया हो जाएगा ठीक है, और नया होने के बाद फिर से आप अपना पासवर्ड रख सकते हैं ठीक है, आप अपना पासवर्ड रख सकते हैं ठीक है ना। तो इतनी जानकारी है अभी ठीक है, फिलहाल इतनी जानकारी है, और भी अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं ठीक है, और भी अगर आपको जानकारी चाहिए जो भी इससे संबंधित क्वेरी है आप मेरे से पूछ सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, और जो भी क्वेरी है और आप बता भी सकते हैं ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है आप मेरे से ले सकते हैं ठीक है, कुछ भी समस्या आती है आप मेरे को बता सकते हैं ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा मेरे चैनल पे एजुकेशनल चैनल है मेरा ठीक है, मेरा एजुकेशनल चैनल है, आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है आप बेशक परफेक्ट टाइम से आप कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं ठीक है। मेरे एग्जाम मेरे चैनल पे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म में आप कर सकते हैं, आप बाल विकास शिक्षा शास्त्र पढ़ सकते हैं, साइंस पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट ठीक है, मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो आप बेशक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ ठीक है, आप वीडियो चेक कर लीजिए ठीक है, मेरे बताने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो चेक कर लीजिएगा, वीडियो ना पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है ठीक है, जिससे और भी लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।